दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, लिप्स पे थोड़ा सा शेड लगाना है। मैं शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक लगाने वाली हूँ, बहुत ही प्यारा सा नूड है, पर इसके साथ ना आपको कोई लिप लाइनर यूज करना चाहिए। सो मैं रेडी हूँ। सो आज मैं बहुत जल्दी रेडी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग करना है। दूसरी चीज़ें, कल हम डॉक्टर के पास गए थे तो उसने खूब सारे ब्लड टेस्ट लिख के दिए हैं, वो करवाने के लिए जाऊँगी। इस समय जाओ तो ज़्यादा क्राउड नहीं होती है। अगली चीज़ें मुझे ग्रॉसरी पिक करनी है कोई चीज़ें, एंड ऑल्सो मुझे होम डिपो जाना है। मुझे घर के लिए लाइट बल्ब चाहिए एंड कुछ रिपेयर का सामान चाहिए क्योंकि मेरे घर की जो मेंटेनेंस है या रिपेयर है वो मैं ही करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैंडी हूँ। एंड ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगता है घर की रिपेयर करते रहना ताकि घर लंबे समय तक नाइस क्लीन एंड ब्रांड न्यू लगता रहे। आपको छोटी छोटी चीज़ें घर में हमेशा करते रहना चाहिए, अगर आपको लगता है कुछ खराब हो गया फिक्स कर दें। सो ये है कि मेरे ऑफिस की जो पीछे वाली वॉल है ना, वो जब हम शिफ्ट कर रहे थे तो कई जगह से पेंट उतर गया, या फिर जहाँ पे मेरी चेयर हिट होती है वहाँ से मैंने पेंट कर दिया था दिवाली से पहले, पर बिकेज वहाँ पे डेंट है तो वो विजिबली दिख रहा है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो उसको फिल करने के बाद फिर से पेंट करेंगे ताकि वो एकदम ब्रांड न्यू हो जाए। सो ये काम करना है। एंड आज मेरी कोशिश है कि जो भी मेरे दिमाग में बाहर के काम है सारे एरेंड्स आज ही हम फिनिश कर देंगे क्योंकि आज चांसेस है कि स्नो पड़ सकती है एंड मुझे अच्छा नहीं लगता जब स्नो पड़ जाती है। मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर सड़कें बहुत गंदी होती हैं एंड मैं ना ड्राइव करना सेफ नहीं लगता। मेजॉरिटी ऑफ चीजें मैं आज ही फिनिश करना चाहती हूँ जब वेदर बिल्कुल क्लीन है। सो यस, मैं तैयार हूँ आज के दिन के लिए। लेट्स सी कैसा जाता है हमारा दिन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है सो फार, अभी शुरू हुई है, आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोज बनाती हूँ मैं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि जब भी फ्यूचर में वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस नहीं करें। लेट्स गो। आज ना थोड़ा ग्लूमी दिन है वैसे, मतलब गर्म नहीं है, सन नहीं निकला है। वैसे बहुत कम दिन होते हैं ऐसे यहाँ पे कि जहाँ पे सन नहीं निकले, पर हम ठंड आनी है ना थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा ही। एंड अपॉइंटमेंट नहीं ली है मैंने, वॉक इन ही जाऊँगी। एक्चुअली मैंने अपना स्पॉट सेव कर लिया है। ओके लेट्स गो। ओके ब्लड टेस्ट करवा लिया है मैंने, कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें भी पिक कर ली हैं, पर मैनू होम डिपो जाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने बहुत भूख लग गई है। पर मेरे पास सिमोर शॉप की शिपिंग है, उसे मुझे ड्रॉप करना है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है, मेरा अपना एक बहुत ही प्यारा सा स्टोर है जिसमें हम सेल करते हैं मेकअप ब्रशेस, लैशेस, फेस मेकअप ब्रशेस, आईज, आईब्रोज, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड ऑल्सो हमारे पास बहुत ही प्यारी 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है जो कि टाइमलेस, क्लासिक, एलिगेंट, डेंटी है। उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, टार्निश प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, जरूर से खरीदें, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, बहुत खुश होंगे। एंड तोहफा देने के लिए भी बेस्ट है ये हॉलीडे सीजन। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाएं, मेरे प्यारे से बिजनेस को सपोर्ट करें एंड अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में ये प्यारे पीसेस ऐड कर लें। सो उसको ड्रॉप करेंगे। उसके बाद मेरा मन है टिम हॉर्टन से ब्रेकफास्ट पिक कर लें। आई डोंट नो हस्बैंड खाना चाहेंगे या नहीं, कॉल करके पूछ लेते हैं, मना ही करेंगे वैसे वो। लेट्स सी, बिकॉज ही इज वेरी मीन। हेलो, बहुत तो ही हो खाना, एग एंड चीज, टिम हॉर्टन्स द हैश ब्राउन ना, एक सैंडविच। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं वो शिपिंग ड्रॉप करके फिर पिक कर दिया। ओके बाय। ये सर यस, मैंने उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था वो कहेंगे नो कर आके कुछ बनाऊंगी, मसरे दाल बना ले रहने दे। सर ओके, व्हाई नॉट, ओके मैं भी खाऊंगी, वो भी खाएंगे, एग खा लेते हैं वो वैसे आजकल। पहले मैं सोच रही थी कि अंदर चली जाऊँ, फिर मैं ड्राइव थ्रू में लगी, पर ड्राइव थ्रू की शायद मशीन खराब थी, मेरा बहुत ज्यादा समय लग गया। दो ऑर्डर करने के लिए प्लेसेस हैं पर मेरे आगे कितनी गड्डियां चली गई हैं। फिर ऑर्डर लेने का तरीका थोड़ा अजीब लगा मुझे, जैसे कुछ भी बोलो कि मुझे ये चाहिए एनीथिंग एल्स, ये चाहिए एनीथिंग एल्स, ये चाहिए एनीथिंग एल्स, यार पर आप बोलने तो दो, फिर जब हम डन हो जाएंगे देन वी से नथिंग एल्स। सो यार मैंने लिए हैं दो एग एंड चीज सैंडविचेस हैश ब्राउन, एंड ऑल्सो इनकी जो स्क्रैम्बल एग पेस्ट्री आई है वो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, स्पिनच वाली एंड एग का कॉफी। तो ऑर्डर तो आ गया है, आई डोंट नो सही आ गया नहीं, कर जाके चेक कर आगे, मुझे गलत होगा तो गलत होगा फिर। सो क्या करना, और जिंदगी इतनी तो चल दिया फिर दोस्तों, क्योंकि फिर पीछे ना लोग दुखी हो जाते हैं
ओके गाइस, मैंने मेरे हस्बैंड का एक नया नाम रखा है. मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, आज कर लेते हैं. सो हस्बैंड का नया नाम है बुगी. वो ए अड्डी रहा ना तो जल्दी ले आने में भी क्या है, मैं तो पूरी देर कर यार. ये बुगी बेबी बन गया और नहीं खगी माड़ी जी खा लिया खगी है. ओवर एक्टिंग ना करो तो तुम पुश के लिए आंधा वे में मैं रिकॉर्ड कीता ही जो तू क्या वाओ वेल नाइस गेट इट एट द मैं तुम चेक करदा नहीं मैं तोड़ ली लेना नहीं आप पता कि तू ही खाना चाहंदे ही स्क्रैम्बल एग थिंगी ता मैं तोड़ ली लेना ये मेरा तेरा आई होप सही हो गॉन जो मैं तो दाल मखनी जाना आज के डिनर के लिए दाल मखनी बनाएंगे. दाल मखनी बनाने के लिए मैं तीन दालों का मिक्सचर यूज करती हूँ. तीन नहीं दो, माँ की दाल एंड चना दाल एंड इसमें राजमा भी ऐड करती हूँ. इसको मैं ओवरनाइट सोक करती हूँ ज़्यादा फ्लेवर के लिए. आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा. इसकी रेसिपी मेरे किसी व्लॉग में है, कोशिश करूँगी लिंक करने की, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. फिर मैं अच्छी तरह इसको वॉश करते हुए रब करके एक प्रेशर कुकर में निकाल लूँगी. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे डंप नहीं करूँ, हैंड से निकालूँ, ताकि अगर कोई मिट्टी हो नीचे बैठ जाती है. अगर आप उसको ऐसे सीधा डंप कर देंगे कुकर में वो मिट्टी भी आ जाएगी. सो इसलिए मैं धीरे धीरे टाइम लेती हूँ और सारा दाल को ट्रांसफ़र करेंगे प्रेशर कुकर में हैंड के साथ. मैंने दाल यूज़ की है उसका 5 गुना पानी ऐड करती हूँ मैं. या 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्लो कुक करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. थोड़ा दाल गलना शुरू हो जाएगी तो ओपन करके कुक करेंगे. इसको मैं कुक करती हूँ 3-4 घंटे, ज़्यादा भी कर लेती हूँ. लाइक सिम पे रहने देती हूँ मैं, कुक होती रहती है धीरे धीरे. उससे सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है. इसमें मैं 35% क्रीम ऐड करूँगी, अराउंड 1.5 कप. के तड़के के लिए हम अनियन नहीं यूज़ करेंगे. इसमें सिर्फ टमाटर, अदरक, ग्रीन चिली एंड गार्लिक यूज़ करेंगे. दाल को कुक होते काफ़ी समय हो चुका है, तड़के की तैयारी करते हैं. ये सारी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही क्रश कर लेंगे. एंड तड़के के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं. ड्राई सूखे मसाले कोई नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ जीरा तड़का लग रहा है. अदर हैंड पे हम धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे. इसकी रेसिपी भी सिम ऑर्गेन कुक पे है. सारे पत्तों को चुग के चंगी तरह वॉश करेंगे, क्रश करेंगे. देन इसमें दही एंड थोड़े मसाले ऐड कर दूंगी, चाट मसाला कर दूंगी ऐड. थोड़ा सा सीजनिंग कर देंगे, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मिक्स कर लेंगे. ये चटनी बहुत स्वाद लगती है, मुझे बहुत अच्छी बनती है. एंड राइस बना लिए हैं मैंने. एंड दाल को थोड़ा और कुक करेंगे. वैसे मैं थोड़ा और कुक करना चाहती हूँ पर हिम्मत बहुत हंगरी है, इसे सर्व कर देंगे. मैं और हस्बैंड थोड़ी देर में खाएंगे, तब तक दाल और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. Okay, you are... Why does it look, why is it red, not brown? Dal makhani aati hundi hamesha. Guys, this is my dal makhani. Thank you, mama. Mene bahut aaj. I know. Khai na tu, don't worry. No. Burn ho jana. You very much my sweet ex-wife. Mere mukhi maani ho ex-wife. Present wife kona?
थोड़ी स्पाइसी है चटनी स्पाइसी है चम्मच लगी हुई है पूरी ओना पाई ना मैं होगी वधिया लगे वधिया दाल रेड़के कर देनी है तुझे गाई पा देनी सो मेरे हिसाब से ये अच्छी तरह तैयार हो चुका है मैं भी खा लेती हूँ ये हमारे दिन का पहला मील है पहला नहीं है दूजा क्योंकि हमने अर्लियर वो सैंडविच खाया था टिम हॉर्टन का यस हम हंग्री ये हमारा डिनर लंच सारा कुछ इकट्ठे होने वाला है ओके कंफर्ट फूड तो रात की सफाई का समय है सफाई करेंगे बहुत प्यार प्यार के साथ का समय आ गया है हस्बैंड ने एंड मैंने कुछ नहीं खाया हमने अराउंड 5:30 बजे हमारा लंच डिनर सब कुछ कर लिया था साथ ही सो अब समय हुआ है ऑलमोस्ट 9:30 पर मेरी कोशिश होती है कि हम बेड पे चले जाएं क्योंकि मेरे बिना हिम्मत सोने के लिए नखरे करता है तो हम दोनों का एक ही साथ सोना पड़ता है तो जल्दी से मैं स्किन केयर करती हूँ आज के दिन को गुड बाय करते हैं पर मैं यहाँ पे आई हूँ आपके साथ कुछ प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए लेटर फ्यूचर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो प्रोडक्ट्स जो मेरी स्किन पे काम कर रहे हैं आज दो तीन चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ अगर आप मुझे लंबे समय से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मेरे चेहरे पे हमेशा कोई ना कोई पिंपल रहता ही था अब रब की दया से पिंपल नहीं है बस यस हाइपर पिगमेंटेशन मेरे चेहरे पे काफी है जिसके लिए मैं रेटिनॉल यूज कर रही हूँ काफी सालों से इंडिया से मैं डर्माटोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करा के ये लेके आई हूँ अपने लिए ट्रेटिनॉइन काफी सारे डिफरेंट डोजेस हल्की मोटी ताजी सो अभी मैं बहुत लो वाली यूज कर रही हूँ सो अभी मैं जो यूज कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा लो क्वांटिटी है एंड क्या ये मेरे चेहरे में फर्क ला रही है या नहीं रेटिनॉल मुझे यूज करते हुए काफी साल हो चुके हैं 4-5 हो गए होंगे नहीं इसने मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं लाई है हाइपर पिगमेंटेशन जैसी है वैसे ही है एंड अब फर्क नहीं है होपफुली फ्यूचर में हो जाए पर जो मैं मेरी बीमारी के लिए मेडिकेशन खाती हूँ उसका भी एक साइड इफेक्ट है ये हाइपर पिगमेंटेशन हील नहीं होता है एंड डार्क मार्क्स हो जाते हैं आपके चेहरे पे सो ये कहानी है हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में अब दूसरी चीज है कि जो मेरे स्किन पे पिंपल्स होते थे पहले वो काफी ज्यादा बेटर हो चुके हैं उसके लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो चीज हेल्प करती है वो है डबल क्लिंजिंग सो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले जो मेरे चेहरे पे मेकअप है उसे रिमूव करने के लिए क्लिंजिंग ऑयल यूज करती हूँ मैंने कई सारे ऑयल यूज किए हैं इनेंसफ्री ब्रांड का ऑयल एप्पल सीड वाला एंड एक और ग्रीन टी वाला है काफी ज्यादा अच्छे हैं पर वो महंगा है एंड देन ये बर्ड्स बी का है ये भी बहुत अच्छा है पर इसमें कोकोनट ऑयल है जो कि कोमीडोजेनिक होता है अभी ये वाला ऑयल है जो पैलमर्स चॉइस कोको बटर ऑयल ये नॉन कोमीडोजेनिक है इसमें कोई भी किस्म का मिनरल ऑयल नहीं है इसमें होबा ऑयल है ग्रेप सीड है रोज हिप है विटामिन सी है ये सारे ऑयल है ना जो ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते हैं क्योंकि जब आप ऑयल अपने स्किन पे यूज करते हैं ना आपको डर लगता है कि पोर क्लॉग हो गए तो व्हाइट हेड्स होंगे ब्लैक हेड्स होंगे फिर पिंपल्स होंगे तो इसका ये अच्छा है एंड बहुत बार ये आपको शॉपर्स ड्रग मार्ट पे या वॉलमार्ट में सेल में मिल जाता है तो मुझे ये काफी अच्छा लगा पर यस अब मैं कोरियन क्लिंजिंग ऑयल ट्राई करूंगी फ्यूचर में अभी मैंने रिसेंटली कोरियन स्किन केयर का एक बहुत अच्छा ऑर्डर प्लेस किया है आपके साथ शेयर करूंगी जब भी वो आ गया
सो इसके साथ मैं मेरे सारे मेकअप को क्लीन कर लेती हूँ, जब मेल्ट हो जाता है पानी से वॉश कर लेती हूँ। देन मैं फेस वॉश यूज करती हूँ, बहुत ही जेंटल किस्म का, ये वाला अवीनो का या फिर सेरावी का या फिर सेटाफिल। और इसे वॉश करने के बाद हफ्ते में 2-3 दिन मैं ये पाउडर एक्सफोलियंट भी यूज कर लेती हूँ, जो डर्मालोजिका का डूप है काइंड ऑफ। ये आपको $100 में मिलता है और ये आई थिंक $10 में खरीदा है मैंने Amazon से। यह है ग्रीन टी एंजाइम्स एंड पाउडर वॉश है विश ट्रेंड का, बहुत अच्छा है। इस पाउडर को लें, पानी से स्क्रब करें एंड पूरे फेस को अच्छी तरह आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं। देन टोनर, टोनर ये वाला बहुत हेल्प कर रहा है, पॉला चॉइस का 2% BHA लिक्विड एक्सफोलिएंट है सिलिसिलिक एसिड के साथ। इससे पोर्स नहीं क्लॉग होते हैं, ये हेल्प करता है अनक्लॉग करने के लिए पोर्स को या श्रिंक करने के लिए, आपकी स्किन को स्मूथ एंड इवन स्किन टोन देने के लिए। काफी ज्यादा लाइट है, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है स्किन में। सो ये जड़े 3 स्टेप हो गए ना, डबल क्लेंजिंग, एक्सफोलिएंट लाइक हफ्ते में 1-2 बार 3 बार, जैसा भी आप ज्यादा मेकअप पहनते हैं तो रोज भी कर सकते हैं। ये डेली एक्सफोलिएंट है पर मैं नहीं करती। एंड देन ये टोनर, ये बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आप अच्छा सा हीलिंग मॉइस्चराइजर लगा लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे वंस इन अ वाइल ये ओरिजिन का ड्रिंक अप इंटेंस ओवरनाइट मास्क स्किन को हाइड्रेट करने के लिए लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं हफ्ते में 1-2 बार लगा लेती हूँ। सो या ये जो है चीजें बहुत हेल्प की है इन्होंने मेरी स्किन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। स्कार्स नहीं हील हुए हैं पर बाकी स्किन की सारी कंडीशन हील हो, बहुत ज्यादा प्यारी सॉफ्ट एंड स्मूथ है। ओके दोस्तों, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। फ्यूचर में बहुत डिटेल में मेरी स्किन की जर्नी बताऊंगी एंड कैसे मैं हील कर रही हूँ और कौन कौन सी और चीजें यूज कर रही हूँ एंड जो मैंने नए प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। स्किन केयर करें तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे लैशेस। सो लैशेस मैं सिमोर लैशेस ही यूज करती हूँ। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं simorshop.com पे, बहुत प्यारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे, जरूर से विजिट करें। सो यस, कोटी ला देते हैं, कोटी को दया मार देंगे क्योंकि कोटी को इतनी शेती नहीं तो होंगी। मैं आराम आराम से अब हमारी क्लेंजिंग करेंगे और ये है मेरा प्यारा मीठा। जब भी आप ऑयल यूज करते हैं ना, आप पानी के साथ वॉश कर सकते हैं ना, आप पेपर वेस्ट करते हैं ना वाइप्स, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और सारा मेकअप बटर की तरह उतर जाता है, बेशक जो मर्जी यूज किया हो आपने। यार मैं ना वो ट्राई करना चाहती हूँ, शी ग्लैम के मेकअप प्रोडक्ट। बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मैंने कई चीजें ना मेरी कार्ट में ऐड भी किए हैं, अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी जल्दी आपके साथ हॉल शेयर करूंगी, मुझे अच्छा लगा ये ट्राई भी करेंगे एक साथ ही करेंगे। ओके, मेरे चेहरे को ड्राई करने के लिए ना मैं पेपर टॉवल ही यूज करती हूँ, टॉवल नहीं करती हूँ, उससे बहुत बैक्टीरिया मेरे चेहरे पे चले जाते हैं। स्किन केयर करते करते ना मैं क्लीनिंग भी साथ में कर देती हूँ सिंक की, ताकि गंदे ना पे जाना। ओके, मैं जो टोनर है इसको कॉटन पे लगा के नहीं लगाती हूँ, सदा आप चेहरे पे, क्योंकि कॉटन पे लगाने पे भी प्रोडक्ट वेस्ट होता है ना, कितना दे कॉटन चूस लेगा। सो आज के ब्लॉग के साथ बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे से कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं या कोई भी रिक्वेस्ट है या कोई चीज शेयर करना चाहते हैं उसको आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। मैं आपको जल्दी मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय।